हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है 44 क्वेश्चन से स्टार्ट है और इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्टी फोर क्वेश्चन है हमारा, रोकड़ वही किस प्रकार की वही है? ऑप्शन है प्रधान वही, सहायक वही, सी ए व वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और आपका ये टाइम ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें। तो 44 का आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है तलपट है, तो तलपट क्या है? ए खाता, बी पुस्तक, सी विवरण, या डी ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विवरण। विवरण को फ्रेंड्स हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो तलपट क्या है? हमारे लिए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए, यानी आपको ट्रू बताना है कि क्या चीज ट्रू है। लेखांकन कला है, यानी ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है? ये आर्ट है। लेखांकन विज्ञान है, अकाउंटिंग साइंस है, या व्यवसाय की भाषा है, या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन की क्रम विधि है, तो लेखांकन की क्रम विधि क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं सारांश। सारांश को बोलते हैं फ्रेंड्स जब आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, सेकेंड है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। थर्ड है अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट। फोर्थ है प्रारंभिक लेखे यानी प्राइमरी, जो कॉन्सेप्ट जो आप एंट्री करते हो प्रारंभिक लेखे, वो जैसे जर्नल एंट्री है। बताइए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर वो है, फॉर्मेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। फोर सबसे पहले आएगा प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे के बाद हम क्या करेंगे, उनको वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि हम लेजर में करते हैं, अलग अलग बुक्स में उसको ट्रांसफर करते हैं। फिर आएगा सारांश यानी इसको जस्टिफिकेशन देना। थर्ड आएगा हमारा अंतिम खाते, यानी लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है, यानी परचेज बुक में किसका लेखा किया जाता है, क्या उसमें किए जाते हैं ट्रांजेक्शन। ए नगद माल खरीदना यानी कैश में आप कुछ खरीद रहे हैं। बी उधार माल खरीदना यानी आपने कुछ भी क्रेडिट में खरीदा है। सी ए व बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, क्रय बही में हमेशा उधार माल को ऐड किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि अगर हम नगद माल खरीद रहे हैं तो वो तो हमारा कैश में चला जाएगा, कैश बुक में, तो परचेस बुक में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। परचेस बुक में हमेशा जो भी हम क्रेडिट पे परचेस करेंगे, उधार माल खरीदेंगे, वो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, रोकड़ बही का शेष होता है, यानी रोकड़ बही यानी कैश बुक का शेष होता है, तो क्या होगा? ए डेबिट, बी क्रेडिट, सी कभी डेबिट कभी क्रेडिट, या डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डेबिट। नेक्स्ट है, किस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है? ए भूमि खाता, बी पूंजी खाता, सी मशीनरी खाता, या डी ये सभी। बताइए फ्रेंड्स जल्दी इसका राइट आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पूंजी खाता। नेक्स्ट है, प्रत्येक लेन देन के पक्ष होते हैं, यानी प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होंगे? ए 3, बी 4, सी 2, या डी 5। बताइए कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं प्रत्येक पक्ष के दो, प्रत्येक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शीट दर्शाता है। ए उधार बिक्री की राशि दर्शाएगा,
बी हस्तगत रोकड़ दर्शाएगा, सी दे राशि दर्शाएगा या डी प्राप्त राशि दर्शाएगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्राप्त राशि दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ बही का शेष क्या है। ए लेनदार व देनदारों में अंतर बताता है, बैंक में जमा रकम बताता है, उपलब्ध धनराशि बताता है या कुल आय बताता है। जल्दी फ्रेंड्स हमें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपलब्ध धनराशि बताता है। नेक्स्ट है लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य है। तो लेखांकन सबसे पहले क्या काम करती है। ए आंकड़ों का अभिलेखन करती है, बी कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार उपलब्ध कराती है, व्यापारिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन करती है, ये गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करती है। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी व्यापारिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन करती है। नेक्स्ट है अंतिम खाते तथा विवरण पत्र से तात्पर्य है। ए आर्थिक चिट्ठा, बी लाभ हानि खाता, सी व्यापार खाता या डी ये सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट है छूट खाता होता है। ए अवास्तविक, बी अवास्तविक को फ्रेंड बोलते हैं नॉमिनल, बी वास्तविक यानी रियल, सी व्यक्तिगत यानी पर्सनल या डी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स छूट कौन सा है। छूट मतलब डिस्काउंट होता है, ये कौन सा खाता है हमारा छूट खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वास्तविक यानी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं। ए वाणिज्य, बी उद्योग, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। लेखांकन एक पेशा है क्योंकि ए यह पूर्ण विज्ञान है, बी इसके सिद्धांत हैं, सी इसकी संकल्पनाएं हैं या डी इसमें ज्ञान बुद्धि तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें ज्ञान बुद्धि तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कर्मचारी को वेतन का भुगतान किस खाते में डेबिट होगा। ए कर्मचारी खाता, बी रोकड़ खाता, सी क्रय खाता या डी वेतन खाता। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वेतन खाता। नेक्स्ट है लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। ए केवल वास्तविक खाते, बी केवल आय व्यय खाते, सी केवल व्यक्तिगत खाते या डी उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल आय व्यय खाते। नेक्स्ट है वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। ए व्यापार की सहायक क्रियाएं, बी व्यापार, सी एवं बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एवं बी दोनों, क्योंकि व्यापार की सहायक क्रिया और व्यापार दोनों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रय खाता होता है। ए वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, बी व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, सी नाममात्र का खाता यानी जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं हम इसे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नाममात्र खाता। नेक्स्ट है आधुनिक लेखांकन पद्धति के जनक कहे जाते हैं। ए एटली, बी ल्यूकस पैसोली, सी बॉटली बॉय या डी लुईस प्रथम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो हमने स्टार्टिंग में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था तो सबसे पहला चैप्टर था जिसमें सबसे पहले लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें दिया गया था ये। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लुईस पैसियोली। नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांतों से अभिप्राय है। ए नीतियों का सख्ती से पालन, बी व्यापार में लाभ को बढ़ाना, सी सख्त नियम या डी तथ्य जिन्हें सर्वत्र मान्यता मिलती है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी तथ्य जिन्हें सर्वत्र मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है
दायित्वों में सम्मिलित है। तो दायित्वों में क्या क्या सम्मिलित है? ए व्यापारिक ऋणदाता, बी चुकाने वाले बिल, सी ऋण, या डी उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बैंक खाता होता है। ए वास्तविक खाता, बी व्यक्तिगत खाता, सी अवास्तविक यानी नॉमिनल अकाउंट, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बैंक खाता क्या होता है फ्रेंड्स? बैंक खाता होता है बी व्यक्तिगत खाता, क्योंकि बैंक खाता एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से खोला जाता है, कंपनी के नाम से खोला जाता है, तो ये व्यक्तिगत खाते में आता है। नेक्स्ट है खाता वही में खाने होते हैं कितने? ए 8, बी 5, सी 7, या डी 4। क्या है इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8। नेक्स्ट है तलपट के योग का अंतर किस खाते में लिखा जाता है? ए उच्चंत खाता, बी अज्ञात खाता, सी लावानी समायोजन खाता, या डी अंतिम स्कंद खाता। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ए उच्चंत खाता। नेक्स्ट है लेनदारी बराबर देनदारी का सिद्धांत लेखांकन में होता है क्या? ए सदैव सत्य, बी कभी कभी सत्य, सी कभी कभी असत्य, या डी ये सभी। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए सदैव सत्य। नेक्स्ट है यदि देनदारों का प्रारंभिक शेष 8,000, अंतिम शेष 15,000, बट्टा दिया 500, बिक्री वापसी 1,000, प्राप्त राशि 3,000 हो तो उधार विक्रय होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा उधार विक्रय? ए ऑप्शन है 11,500, बी है 9,500, सी है 7,000, डी है 5,500। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहरण खाता तलपट में दिखाया जाता है। ए क्रेडिट पक्ष में, बी डेबिट पक्ष में, सी ए व बी दोनों, या डी दिखाया नहीं जाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है डेबिट पक्ष में यानी बी। नेक्स्ट है संदिग्ध दायित्व को चिट्ठी में दिखाना चाहिए। ए रूढ़िवादिता परंपराए, बी महत्वपूर्णताए, सी प्रकटीकरण करने के लिए दिखाया जाता है, या डी दो पक्ष के लिए। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है सी प्रकटीकरण। नेक्स्ट है उधार विक्रय की राशि ज्ञात की जाती है। ए विक्रय खाते से, बी प्रमाणकों से, सी कुल देनदारों से के खाते से, या डी व्यापार खाते से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है सी कुल देनदारों के खाते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देय बिल अप्रतिष्ठित हुए लेखा होगा, देय बिल है जो डिसऑनर हो गए हैं, तो उनका लेखा क्या किया जाएगा? ए कुल देनदारों के खाते में डेबिट करेंगे, या कुल देनदारों के खाते में क्रेडिट करेंगे, सी प्राप्य बिल खाते के डेबिट करेंगे, या डी लेखा नहीं होगा। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कुल देनदारों के खाते में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है तलपट में प्रदर्शित शेष है केवल जमा शेष, केवल नाम शेष, जमा व नाम शेष दोनों, या संपत्तियों में शेष। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी जमा व नाम शेष दोनों। नेक्स्ट है खाता बही में खाते खोले जाते हैं। ए व्यापारिक खाते, बी व्यक्तिगत खाते, सी ए व बी दोनों, या डी सभी प्रकार के खाते। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है सभी प्रकार के खाते। नेक्स्ट है पाने वाले व्यक्ति को किया जाता है ए ऋणी, बी धनी, सी ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर है ए ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि देनदारों का अंतिम शेष 15,000, उधार विक्रय 28,000, प्राप्त राशि 17,000 है तो प्रारंभिक शेष होगा। बताइए कितना होगा? 26,000, 4,000, 30,000, या 5,000? कितना होगा आपके अकॉर्डिंग?
फ्रेंड्स राइट आंसर है बी 4000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि वर्ष का प्राप्त चंदा 5000, अग्रिम प्राप्त चंदा 500, बकाया चंदा 300, तब आय व्यय खाते में क्रेडिट की गई राशि होगी। तो बताइए आप कितना, अगर आप ने प्रिपेयर किए होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप कितना क्रेडिट करोगे। तो इसका राइट आंसर है डी 4800। नेक्स्ट है, वाणिज्य में क्या क्या सम्मिलित है। ए व्यवसाय उद्योग, केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, केवल व्यवसाय, या व्यवसाय व व्यापार की सहायक क्रिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी व्यापार व व्यापार की सहायक क्रिया। नेक्स्ट है, व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। उपयोगिता सृजन, लाभ कमाना, सामाजिक उत्तरदायित्व, या लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर है डी लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। नेक्स्ट है, एक नई मशीन की स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा। ए रोकड़ खाते में, बी मशीन खाते में, सी लावानी खाते में, या डी स्थापना व्यय खाते में। क्या लगता है इसका आपको राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी मशीन खाते में। नेक्स्ट है, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है। तीन पक्षों पर, चार पक्षों पर, दो पक्षों पर, या पांच पक्षों पर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी दो पक्षों पर। नेक्स्ट है, केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। ए तलपट में, बी आर्थिक चिट्ठे में, सी लावानी खाते में, या डी व्यापार खाते में। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर है बी आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट है, पेटेंट अधिकार खाता है। ए वास्तविक खाता, बी व्यक्तिक खाता, सी नाममात्र खाता, या डी ये सभी। बताइए पेटेंट किस तरह का खाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए वास्तविक खाता है। नेक्स्ट है, रोकड़ खाता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। ए लेनदारों को रोकड़ का भुगतान करने पर, बी प्राप्त छूट, सी नगद बिक्री, या डी देनदारों से प्राप्त रोकड़। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है बी प्राप्त छूट। नेक्स्ट है, अग्रिम प्राप्त आय होती है। ए संपत्ति, बी ए आय, सी एक दायित्व, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। तो राइट आंसर है इसका सी एक दायित्व है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत खाता है। तो बताइए व्यक्तिगत खाता कौन सा लगता है आपको। भवन खाता, वेतन खाता, माल खाता, या पूंजी खाता। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत खाता है पूंजी खाता, क्योंकि पूंजी जो होती है वो व्यक्ति से कनेक्टेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि क्या करना है। ए नीतियां, बी व्यूहरचना, सी कार्यविधि, या डी उद्देश्य। बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी उद्देश्य। नेक्स्ट है, प्राप्यो शब्द में सम्मिलित रहते हैं। केवल व्यापारिक देनदार, लेनदार, केवल व्यापारिक देनदार, व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल, या व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल। क्या लगता है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया संभव करती निर्भर करती है। ए राष्ट्रीय आय पर, बी व्ययों पर, सी विदेशी सहायता पर, या डी बचतों पर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी बचतों पर। नेक्स्ट है, आपको बताना है कौन सा इक्वेशन जो है वो सही है। संपत्ति इक्वल्स टू पूंजी, व्यय इक्वल्स टू आय, लागत इक्वल्स टू आगम, या संपत्ति इक्वल्स टू पूंजी प्लस दायित्व। तो फ्रेंड राइट आंसर है डी संपत्ति इक्वल्स टू पूंजी प्लस दायित्व। जब आप फाइनल काउंट बनाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, खाता बही तैयार की जाती है। केवल क्रय बही से, केवल विक्रय बही से, केवल रोकड़ बही से, या प्रारंभिक लेखों की बहियां तथा जर्नल से। क्या लगता है आपको आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रारंभिक लेखों की बहियों तथा जर्नल से। नेक्स्ट है, लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की परख कैसे की जा सकती है। ए लागत के आधार पर,
डी सरलता के आधार पर, डी वो सॉरी सी उपयोगिता के आधार पर, या डी लोच के आधार पर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके कितने आंसर जो है वो सही गए। तो इसका जो आंसर है वो है सी उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई राशि को निम्न में से क्या कहते हैं, ए कमीशन, बी ब्याज, सी रोकड़, या डी आहरण। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं आहरण। नेक्स्ट है, लेखांकन सूचनाओं में सरकार की रुचि क्यों होती है, ए सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है, बी राजनीतिक दल चंदा ले पाते हैं, सी अधिक करारोपण हेतु, या डी कर निर्धारण रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है। नेक्स्ट, प्राप्य बिल निम्न में से किसका एक भाग है, ए खाता बही का, बी तलपट का, सी जर्नल का, या डी आर्थिक चिट्ठे का। तो फ्रेंड्स आंसर है इसका सी जर्नल का। नेक्स्ट है, लेखांकन में कैसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है, ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी मुद्रा में व्यक्त, या डी ये सभी। तो फ्रेंड्स आंसर है इसका सी मुद्रा में व्यक्त। नेक्स्ट है, अग्नि से नष्ट हुए माल का लेखा किस वही में किया जाएगा, ए क्रय वही, बी रोकड़ वही, सी विक्रय वही, या डी जर्नल वही। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जर्नल वही। नेक्स्ट है, पाने वाले को किस खाते में नियम से ऋणी एम देने वाले को धनी करते हैं, ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी व्यापार खाता, या डी लावानी खाता। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं, ए वर्तमान मूल्य पर, बी बाजार मूल्य पर, सी क्रय मूल्य पर, या डी बीजक मूल्य पर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी क्रय मूल्य पर। नेक्स्ट है, नाममात्र खातों का डेबिट शेष होता है, ए हानि, बी आय, सी लाभ, या डी व्यय। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी व्यय। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के कैसा होता है, ए नीचे रहता है, बी ऊपर रहता है, सी चारों ओर चक्कर लगाता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ए समाजवादी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी, या डी साम्यवादी। तो फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूंजी पर लगाया गया ब्याज पूंजी खाते में किया जाता है, ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, या डी हस्तांतरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए क्रेडिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हम और भी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।